Yeah, hello. What, how are you? I'm good. What about you? I'm good. सारे कपड़ा इधर सही रहे भाई, बना रहे हैं और ऐसे उसने कोई चीज उठाई मारने के लिए. पाकिस्तान, ये देखो पीछे आवाज है मारा कि मैं तुम्हारा कैमरा छीन लूंगा. मेरा दिल चाहता मैं लोगों को पकड़ के मारूं. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग जी. मैं इससे मौजूद हूँ कंपाला में और ये मेरे पीछे आप फोरेक्स ब्यूरो का ऑफिस देख सकते हैं. यहाँ से करेंसी तब्दील करवाने आया हूँ अभी. यार जितने भी हमारे पास पैसे थे वो तो सारे चेंज उन्होंने ले लिए पुलिस वालों ने, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा. तो अभी यहाँ से चेंज करवाते हैं, फिर चेंज करवा के फिर जो है आगे मार्केट वाली साइड पर निकलता हूँ इंशाल्लाह. और आज जाने लगे हैं जी कंपाला की सबसे बड़ी यानी अफ्रीका की दूसरी बड़ी लंडा की मार्केट है. लंडा मार्केट है, फूड सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा. तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं. यहाँ से मैंने जो बड़ा माउंट था कैमरे का भाई वो रूम में रख दिया क्योंकि इस पर ग्रिप नहीं बनती, तो ये गोप्रो छोटा सा हल्का करके यहाँ पे पकड़ा हुआ है. अभी उसी तरफ ही जा रहे हैं. लेकिन यार जितने पुलिस वालों ने पैसे लिए ना, बहुत डिसअपॉइंट हुआ यार फिलहाल. अभी मैंने $200 चेंज करवा लिया है और जो रेट मिला है वो 37,000 शिलिंग मिली है. $100 पे 37,000 शिलिंग मिल गया है और मेरे हिसाब में वो रेट बिल्कुल ठीक मिला है, मुनासिब रेट है. अभी मार्केट की तरफ ही निकलने लगे हैं. यहाँ से ये सारे बूढ़ा बूढ़ा वाले हैं, बाइक ये जो होते हैं ये वो है. यहाँ पे ये अपनी गाड़ियों की सर्विस करा रहे हैं बाइक्स की ना. यहाँ पे अब चोरों का कम खतरा और पुलिस वालों का ज्यादा है. और यहाँ पे हमने एक कोड वर्ड रखा है कि अगर कोई पुलिस वाला देख रहा हो ना तो एक दूसरे को बताने के लिए कि यार वीडियो मत बनाओ. तो हमने कहा कि यार छिल्लड़ है, छिल्लड़ का कोड वर्ड रखा है कि सामने छिल्लड़ है भाई वीडियो मत बनाओ. यार हम तो ऐसे नहीं है यार, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया यार, क्या करें हम. $300 भाई ठीक ठाक होता है. $500 मेरा इथियोपिया में गया, 300 यहाँ गया, यानी $800, यानी 70 बाइक ठीक ठाक आ सकती है यार जितना मैंने लॉस किया यार. यहाँ पे खर्चा आपका कम होगा और ये दो नंबरी में पैसे ज्यादा वेस्ट हो जाएंगे, स्कैमिंग में ज्यादा आपके लग जाएंगे. सवाल ही पैदा नहीं होता आप अफ्रीका में आओ और आपके साथ स्कैम ना, आप जितने मर्जी मास्टर हो भाई निकल जाएंगे, छीन जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता. बच जाओ भाई. मैं आप जितने ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट समझोगे खुद को उतना ज्यादा फंस जाओ. रुक तेरी है यार, वो बाइक के बीच में मारने लगा था भाई, इतना ज्यादा आप फंस जाओगे यहाँ पे. यहाँ पे बचने के चांसेस 1% और 99% चांसेस फंसने के. यहाँ पे यार हर बंदा डिसअपॉइंट करता है. लोकल हैं तो वो मामला खराब करेंगे, पुलिस वाले हैं तो वो मामला खराब करेंगे. यार बहुत टफ है यार यहाँ पे व्लॉगिंग करना, ऐसे एरियाज में खासकर अफ्रीका को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है यार. आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कोई भी बात हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाएं. और मेरे एक भाई के चैनल की लिंक दी है यार डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लें. ओविनो मार्केट है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए हमने जाना है, मेन टारगेट वही अपना. लंडा आ गया जी, लंडा आ गया, सेल लग गई जी, सेल लग गई. Man, oh man, hello. Come on. Do you have shirt? Shirt for a kid. Where? Kid. Huh? For you? Yeah, for me. From where I can get? From where I can get? For you? Yeah. Maybe the another one here. Do you have shirt? Shirt? No. No. Don't have. Sorry. Short. Short for you. Yeah. Are you with that side? That side. यहाँ पे लोग स्नेकर खेल रहे हैं भाई. ये देखो बाल से लेकर ये सारी फूड मार्केट है भाई. यहाँ पे देखो खाना बना रहे हैं. I need short man, not this. Short, yeah. Short, how are you? Not this one man. You want to which one? Look, there, here, all this stuff. ये उन्हीं भी काले हैं ये पाइयों यहाँ. Good, what was you? And I'm not good. Yeah, you are selling this one. But I don't need this. Bed sheets here. Yeah, but I don't have room here. I have in Pakistan. Buy 2,000 for soda. I'm hungry also. Why? Kehti mujhe soda ke liye paise. One man ko adhan zinda hai. How are you? No, I'm from Pakistan, not from India. You have short? You have short? No, short you have. Yeah. Yeah, you have. For men, not for ladies. Let her be short. Short, let her short.
boss. Yeah, hello. Boss, how are you? I'm good. What about you? How are you? I'm good. You are good? Yeah. So I just need to a resume? Yeah. No, we're buying short. I want to buy short. You want it for you? Huh? Yes, we have. Really? Yeah. But you will give me so expensive. Short for you. Yeah. Inside, outside. I want to wear when I want to sleep. Yeah. At the time of sleeping. Like night? Yeah. Tonight, I have like this one. यार मार्केट में हम गए ना तो वहाँ पे भी कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है फिर भी इन लोगों को पैसे चाहिए हमें पैसे दो फिर आप जा सकते हो यहाँ पे So boy, Ono is big. Okay. And you may not. So, let me take you. You are going to start. Let's stop here. How much you will charge? I've told you, it will matter. You are going to do like this. Yeah? Yeah, I want to go only see the market. You want to show the market? Yeah. I'm going to show you all the corridors, all the routes. Okay. Where they sell beans. Yeah, yeah. All this. Yeah. Everything and I'm also going I will to show you. And also, listen, Ekman Sabarka. Also, I will take picture and video there. Yeah, no problem. So how much you will charge? 500. Come on. 500. Come on, Nico. I'm going to show you everything. You're going to move in every corner you want. How much? 500k. 500k? Yeah. 500k? Hey. And I show you for everything. Total. For total Ovino market. The whole Ovino. For total person, okay. तो भाई एक फाइनली जो है ना हमने एक टूर गाइड कर लिया है और ये बंदा हमारे साथ जाएगा पूरी अवीनो मार्केट जो है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे यार अभी या आई गो स्लो मैन यहाँ टूर गाइड के बिना यहाँ पे रियली ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मार्केट है भाई आज जिसको हम देखने जा रहे हैं लेकिन जितनी ये बड़ी और अच्छी है उतनी ये खतरनाक है अकेले में सफर करना और वीडियो बनाना तो बहुत मुश्किल है Yeah? Will you take me to your place? In Pakistan? Hey. You want to go Pakistan? Hey, no problem. Okay, let's come, man. No problem. Will you? Yeah. Okay. This one is Fadi. Okay, okay. A big, big Fadi. Nice to meet you, man. Yeah, Fadi. Big one. Now, why did we take this person? यार ये मकामी दुकान वाला ये यहाँ पे दुकान चलाता है तो इसके ताल्लुकात भी होंगे और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी वरना अगर किसी और बंदे को साथ लेके जाए तो कुछ भी हो सकता है यार कोई भरोसा नहीं है यार लोग कुछ बोलते ही नहीं यहाँ पे आपको टूर गाइड कम और बॉडीगार्ड ज्यादा चाहिए और यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है भाई पहले हमें पुलिस पकड़ के ले गई थी बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है हेलो और यू ये सबसे बड़ी मार्केट है अफ्रीका की लंडा मार्केट है ओविनो मार्केट इसको बोलते हैं और ये बहुत ही खतरनाक सा सीन है भाई यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने जाते हर जगह मसला लड़ाई करते हैं ये देखे मछली पड़ी है यार ये जी इनका फूड रहा ये सारा इनका खाना है जी चेक करें ये चेक करें ये मार्केट का इंटीरियर साइड है भाई वाकई बहुत बड़ी लंडा मार्केट है भाई कोई शक नहीं इस बात में How much? हैं? 1000. अब ये देखिए छली लेने लगे यहाँ से ये मिचेन ये देखिए 2000 शिलिंग का मैंने नोट दिया उसमें से 1000 शिलिंग वापस देगा युगांडा की करेंसी इतनी डाउन है भाई लेकिन रिश्वत यहाँ पे जो है ना वो डॉलरों में लेते हैं ये देखिए ये बीबी कच्चा केला भून के दे रही है भाई बहुत बड़ी मार्केट है भाई ओविनो मार्केट चेक करें देखिए ये छोटी छोटी दुकानें और गलियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे ये सारे कपड़ा इधर सी रहे हैं भाई बना रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग लड़ना कैमरा छीन लेना वीडियो ना बनाने देना ये सब रोज़मर्रा की आम सी बात है यार इतनी बड़ी नहीं है तो आपको आप जब भी यहाँ पे आए इसके लिए तैयार होके आए भाई बहुत टफ है यहाँ पे वीडियो बनाना देखो यार पाकिस्तान की तो आपने लंडा मार्केट देखी होगी अफ्रीका की लंडा मार्केट भी देख लो कितनी बड़ी है भाई यार पीछे बड़ा अजीब बिहेवियर था इन लोगों का ना और ऐसे उसने कोई चीज़ उठाई मारने के लिए कैमरा बंद था यार उस टाइम नथिंग देखे मैन कितनी बड़ी मार्केट यार हम कब से चली जा रहे हैं लेकिन मार्केट अगर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही अब यहाँ पे मुस्लिम ख़वातीन भी पर्दे में शॉपिंग करती मिल जाएंगी यार ये जो लोग हैं ना ये खुद ही खुद को नहीं बदलना चाहते वरना इनकी हालत कब की चेंज हो सकती थी लेकिन ये कभी भी खुद को बदलना नहीं चाहेंगे ये खुद ही ऐसा रहना चाहते हैं बस इतना समझ लें इनसे ज़्यादा ड्रंक कोई नहीं मैंने पूरी दुनिया में देखा
इनसे ज्यादा स्कैमर मैंने कोई नहीं देखा। और स्कैमिंग जो है ना भाई, वो तो इन लोगों के खून में रची हुई है, उसके बिना इनका गुजारा नहीं होता। और रही बात पैसे की, तो वो इनको हर बात का पैसा चाहिए। सभी को नहीं, अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है ना भाई, उनको सिर्फ पैसा ही चाहिए। यहाँ पे ये देखिए, ये इनका मकामी हुक्का रहा जी, ये स्टिक है, जैसे हमारे यहाँ दौरी छोटा होता है ना, तो इसको दौरी के तौर पे यूज़ करते हैं। ये देखिए, इसको बर्तन के तौर पे यूज़ करते हैं। ये देखिए, पेठे की तरह का बर्तन है ये। ये इधर भी चमड़ा रहा यार, मैं हैरान हूँ। ये सब्जी और फल फ्रूट आ गया यार, पैशन फ्रूट, ड्रैगन, ड्रैगन फ्रूट, लोको पैशन फ्रूट्स। यस मैन, हाउ आर यू? Hello, you come and what is how much? Hey, go to that one. Seven. Look at that one. How are you? Your glasses is so good. Hey, how are you? Olive Lodge. Hello, boss. Very much. So, what age fan am you? Camera to Zipola. Camera to Zipola. Muniga, what type of fan are you? Looking beautiful. So nice. Just. कुछ लोगों को यहाँ पे कैमरे का मसला नहीं है, ज़्यादातर को है। यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई फॉरनर आए, किसी की जरूरत नहीं उसको बोल जाए कि भाई कैमरा नीचे करो या मैं तुम्हें मारता हूँ, पता है फ़ौरन सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाली मशीन ही नहीं है। वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाली यहाँ पे जो मशीन है ना भाई, वो खुद अपडेट हो जाती डॉलर दे के। आपको यहाँ पे फॉरनर ऐसे लोकल ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपने बैग ना यूँ आगे करके रखे होंगे, तो भाई आप ही जब भी मार्केट्स में आए ना, अपने बैग पीछे नहीं बल्कि यूँ आगे रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम Man, don't forget the shot. अब ये बंदा मेरे साथ जा रहा है। अब आप भी कहेंगे कि आपके शॉट का मसला पूरे ब्लॉग में नहीं रहा, खत्म हुआ, तो भाई जी क्या करें, अब लेना तो है ना। Exactly. Exactly. Okay. No, I don't know. I need only one. Only one. Tell me the price for this, okay, one. 25,000. I'm not going to buy this first time, man. You have a match. भाई शॉर्ट मैंने ले लिया, अब आपका कान, अब आपका सर नहीं खाऊंगा शॉर्ट बोल के। अभी बात पता क्या यार? आप मोबाइल नथिंग। काम भैया। काम भैया। आप किसी भी कंट्री में जाओ ना, आपको अल्लाह के बाद अगर भरोसा होता है ना, तो वो ये होता है कि वहाँ की पुलिस आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे वो भरोसा नहीं है भाई, यहाँ पे वो ख़त्म है। आपका अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। आप अकेले में बैठ जाओ इन लोगों के साथ, लेकिन पुलिस को मत बुलाओ। अगर वो आएगी तो वो दोनों घर को लूट जाएगी। इनसे वो इतना चार्ज नहीं करेगी, वो जितना आपसे कर लेगी। वाकई यार बहुत बड़ी मार्केट है, हम कब से चली जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लेडीज़ के कपड़े मिले हैं देखने को, क्योंकि शायद आपको पता हो कि युगांडा में 60% लेडीज हैं और 40% यहाँ पे मार्केट। नो डाउट भाई, इसको अफ्रीका का, मैं कहता हूँ बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लंडा कहना गलत नहीं होगा। इतना बड़ा लंडा पाकिस्तान में तो है ही नहीं भाई मेरे, अगर होता तो आपको आधा पाकिस्तान यहाँ मिलता। बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, उनका दिल कर रहा होगा यहाँ आने को। हाँ भाई आ जाओ। ये देखो यहाँ पे जो लोकल्स हैं, उन्होंने भी अपने बैग बिल्कुल सामने कर रखे हैं। ये बीन्स वगैरह और बीजेस की मार्केट का, ये बीजेस वगैरह का हिस्सा आ गया है। यहाँ पे आटा वगैरह हर किस्म का आटा यहाँ पे मिल जाएगा। ज्यादातर ना जो मूंगफली होती है ना भाई, उसका यहाँ पे आपको मिलेगा। मूंगफली जो है ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कसरत में पाई जाती है। ये देखें, ये मूंगफली के दाने रहे। अच्छा, आपको एक चीज़ हैरानगी वाले मिलेगी, यहाँ पे भी ज्यादातर आपको जो चीज़ें बेचने वाली है ना, वो खवातीन ही मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे ये रूटीन है ना भाई, कि एक मर्द में, एक घर में जितने भी लोग होंगे ना, वो सब काम करेंगे। जैसे हमारे यहाँ ज्यादातर औरतें एज अ हाउसवाइफ काम करती हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी को काम करना होता है, यानी मार्केट्स, बिजनेस, जो भी करना हो ना, वो सभी यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ये व्यापारी आ गए, मंडी टाइप सीन है भाई यहाँ पे, सारे बीन्स और इस तरह का। लेकिन डिसअपॉइंट होता हूँ, मुझे इन लोगों के इस बिहेवियर से अफसोस नहीं होता, क्योंकि ये इसमें इन लोगों का कसूर नहीं है भाई। इनके खून में ये चीज़ रची हुई है, फिर इनका कसूर तो नहीं कह सकते ना। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं नेगेटिव पार्ट दिखाता हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ का पॉजिटिव पार्ट ही दिखाता हूँ। इवन के मैंने तो 2 महीने जेल के बाद भी पॉजिटिव बातें की, लेकिन अब मसला ये है कि यार कब तक बात ख़त्म। एक ना एक दिन आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, आपके मुँह से सच निकलने लग जाएगा। आप कितना झूठ बोल के किसी को पॉजिटिव दिखा सकते हो। इस बंदे के मार्केटिंग स्किल्स देखिएगा, ये चीज़ें बेचने लग गया मैं। Yeah. MJ, you know, you're cheating on me, yeah.
पाकिस्तान पाकिस्तान। अगर एक बंदा आपकी तरफ जबरदस्ती कैमरा कर रहा है तो फिर आप उसको रोको, लेकिन अगर एक बंदे को आप आवाज कर रहे हो ये देखो पीछे आवाज है मारा कि मैं तुम्हारा कैमरा छीन लूंगा। ये देखो यार ये पागल हो रहे हैं और कुछ नहीं, मतलब इन लोगों को माहौल बनाना होता है क्योंकि ये लोग फ्री बैठे होते ना फारिग। ये फ्रेश सब्जी आ गई, ये देखें यहाँ पे, ये तरबूज रहे भाई यहाँ के, चेक करें ये तो काफी सस्ता है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें यार ये छोटी छोटी मछली है, ये लोग बेचते हैं और इसका ये मछली का पाउडर इसने बनाया हुआ है, शायद इसको खाने में जायके के तौर पे यूज करते होंगे शायद। ये पूरी पूरी इस तरह फैक्ट्री है भाई, मशीनें लगी हुई हैं जो मसाले पीस रही हैं। ये बर्तनों की जूतियों की इस तरह की मार्केट है भाई। अच्छा आपको बाल पाए, ये जो आपको शूज चमके हुए नजर आ रहे हैं ना, ये सारे लंडे वाले हैं, यूज्ड वाले, लेकिन इन लोगों ने इसको रीपॉलिश किया और उसके बाद यहाँ पे चिपका दिया है। अच्छा आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे शटर तो है नहीं, तो ये पता क्या करते हैं, इसको क्लोज करके एक जगह पे रख देते हैं, उससे उसके बाद कपड़े से ऊपर ढाक के बांध देते हैं उसको, तो इस तरह भाई ये यहाँ पे इसकी सेफ्टी होती है। फिर यहाँ पे बकायदा ये लोग सो सो भी जाते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा चोरी का नहीं रहता यहाँ पे। यार एक चीज़ देखो ना, अंदर तक मार्केट बनी हुई है, तो लोग तो ज़्यादातर वो चीज़ खरीदते होंगे ना जो उनको फ्रंट पर मिल जाती होगी, फिर भी यार ये बिज़नेस कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, इतनी बड़ी मार्केट है ये। इसने सही माहौल बनाया हुआ है, पाओ पैसे भाई। क्यों हो रहा बच्चा भाई, भाईजान आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा, सुबह सुबह $300 की रिश्वत ली तो जान छूटी है, लेकिन ये डांस देख के थोड़ा मूड बन गया यार। ये देखिए सारे फ्रूट की मार्केट है भाई, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ये मुस्लिम खातून लग रही। सलाम अलैकुम यार मुस्लिम, माशाल्लाह। अफ्रीका की जो मुस्लिम खवातीन है ना भाई, उनके बारे में एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, वो ये कि जितनी भी खवातीन होती है ना, इन सब ने पर्दा किया होता है। इनमें से मुझे कोई एक सिंगल भी ऐसी नहीं मिली जिसने पर्दा ना किया हो, जैसे हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हमें ऐसी खवातीन मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ना भाई बहुत आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपको मुसलमान इस तरह मिलेंगे। Mock, okay. They want to annoy. Oh, yes. People are so bad. Yes. My experience is like I'm not satisfied with them. Okay. I've traveled through like Ethiopia, Kenya, and now I'm Uganda, and maybe I will go to the Rwanda and Tanzania also. Mm-hmm. But I feel like this place, the people are so uneducated, most of them. Mm-hmm. Yeah. Whenever I like walk, they come. Oh, why are you making video? Why are you taking picture? Mm-hmm. I think like if I want to show to my family, if I want to post it on Instagram or TikTok, so I have to ask permission for everybody. It can't be possible, man. Crowded places, it's not good. But if you get a bit outside the center, yeah. People are not like that. Oh, really? They're cool. Yeah. Yes. But I faced like today we were walking around there. Come with us in police station. We went there, and after that, they told me I'm going to detain you if you are not giving me $3,000. After giving him $300, he released us from police station without any reason. I have all the what have you done? Yeah, they told me like I'm going to detain you because of just because of you are a traveler and you are going without a tour guide. The police officer told me, and they took us to the police station. Yeah, they cannot do anything.
They can't do anything. You could resist to give anything. Yeah, but they... You should say, give me a lawyer. Oh. You can scare them. Yeah. The police is so corrupt. You can, if you can manage and know how to do, you can just scare them. Yeah. You have experience in Europe, in Sweden. But it's not like Sweden, man. It's a free and so corrupt country. Even in immigration at night, we have pay money to just cross the immigration. Nice to meet you. Okay. Thank you so much. What's your name? Christian. It's Shabir Ahmed. Okay. Nice to meet you, man. You said from Pakistan. I'm from Pakistan. You're from Sweden. भाई वो स्वीडन का था तो मैंने सोचा चलो अपनी इंग्लिश थोड़ी ठीक कर लूँ उससे बात करके. इसलिए जो स्वीडन का दोस्त था ना, उसने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई. उसने कहा कि अगर आपको डिटेन करते हैं ना, तो आप उनको बोलो कि मुझे एक लायर दो, जो कि मेरा राइट है, बात खत्म. तो यार ये चीज़ जब आप करोगे ना, तब आपकी जान छूट जाएगी इन लोगों से. अदरवाइज इन लोगों से जान नहीं छूटने वाली. भाई लगता है मुझे भी अफ्रीका में भी कोई लॉयर दोस्त बनाना पड़े. एक मेरा है सही, वो इथियोपिया का सोडो का लॉयर है, लेकिन यहाँ का नहीं है यार. यहाँ भी कोई दोस्त बनाते हैं. ये यहाँ की सबसे बड़ी फूड मार्केट है. जैसे पाकिस्तान में नाश्ता पॉइंट नहीं होता, ये सेम लाइक उसी तरह ही है. लेकिन यहाँ का खाना थोड़ा अजीब है. इसमें हल्दी बहुत ज़्यादा होती है एवरी तौर पे ना, जैसे हमारे यहाँ मिर्ची होती तो. लेकिन ये कुछ पाकिस्तान से मिलता जुलता ही है. मिर्ची वगैरह यहाँ पे भी लोग डालते हैं, खाते हैं, लेकिन सफाई सुथराई का ख्याल उस कदर नहीं रखा जाता जो रखना चाहिए इन लोगों को. बीइंग अ मुस्लिम, हम तो स्मेल से भी नहीं खा सकते. वैसे तो खाना बहुत दूर की बात है भाई, बहुत मुश्किल है ये खाना, नहीं खा सकते. अब आप लोग कहेंगे कि मैंने व्लॉग भागते भागते बना लिया, तो भाई इसकी रीज़न ये है कि कोई भी एक जगह पे खड़े होके या अपने चेहरे की तरफ व्लॉग कैमरा लगा के व्लॉग नहीं बनाने देता. यहाँ पे बहुत मुश्किल है लोगों को रिकॉर्ड करना, बहुत टफ है भाई, क्योंकि ये कुछ खास उतने एजुकेटेड नहीं जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं. और अगर आप यहाँ से घूम के निकल भी जाएँ तो ये भी बहुत है भाई. आपको पता पिछला व्लॉग है उसमें क्या हुआ था? नहीं पता ना, जाके देख लें. यार यहाँ पे ना लोग फॉलो बहुत करते हैं, तो आपने ख्याल रखना है यार. अगर आपको फॉलो कर रहा हो ना, तो आप उसको रुक जाएं और उसको आगे जाने दें. वो एक अंग्रेज जो मुझे पीछे मिला था ना, वो कह रहा था मेरा दिल चाहता मैं इन लोगों को पकड़ के मारूं. मैंने कहा सही है भाई, माजी में आप लोगों ने सही ठोका इन लोगों को, अब फिर आप वही हरकतों पर आ जाओ. आपको पता है माजी में इनकी नस्ल कशी यहाँ पे होती रही है. वो एक बड़ी अजीब सी हिस्ट्री है यार, वो ज़रा चेक कीजिए. देखो आवाज़ें मार रहे हैं, इनको और कोई काम नहीं है. Yes. Nothing. ये देखे भाई, ये भी युगांडा की मार्केट ही है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस है, एक मॉल की तरह बना हुआ है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे लोग भी थोड़े एजुकेटेड हैं, तो उस तरह आवाज़ें भी नहीं मार रहे, बिहेवियर भी नहीं रख रहे. लेकिन ना तो यहाँ पे कोई आवाज़ें मार रहा है और ना ही लोगों का उस तरह का बिहेवियर है यार. वैसे तो पूरा अफ्रीका एक्सपेंसिव है, लेकिन युगांडा मुझे दूसरी कंट्रीज़ के निस्बत उतना एक्सपेंसिव नहीं लगा. हाँ, यहाँ पे जो अकोमोडेशन है ना, वो $75 $80 एक रूम, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है भाई. एवरेज रूम की बात कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे बाकी की जो ज़रूरतें ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है. क्या हो सकता है मैं लंडे वाली साइड पे फिरता रहा हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ. यार ऐसे एरियाज कवर करना ठीक है भाई, लेकिन वो वाली जो मार्केट थी ना, वो वाली कवर करना बहुत मुश्किल है. कवर तो बंदा कर ही लेता है, लेकिन मुश्किल है, हो जाता है यार थोड़ा. खैर नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग. उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा. कि अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में.